हम लोग किस बेस पे काम करते हैं। जैसे हम लोग सरप्लस फूड लेते हैं, सरप्लस फूड मतलब जो ख़राब हो जाता है वो नहीं लेते हैं। सरप्लस फूड का मतलब जो खाना एक्सेस बन जाता है। जैसे किसी शादी पार्टी में 1000 लोगों को निमंत्रण दिया गया, इन्वाइट किया गया, लेकिन बेसिकली आ गए 400, 500, 600, बहुत ज़्यादा 700 आ गए, 300 बचा। अब क्या 300 रिलेटिव्स खाएंगे या फिर वो जो वर्कर है वहाँ पे लगे रहेंगे वो सब खाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। 300 में से 50 लोगों ने खा लिया, 250 खाना बचा, वो पूरा खाना आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कहाँ पर जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। उसी को रोकना है हमें। वही खाना अगर किसी नीडी पर्सन को मिल जाता है, वो बंदा इतना खुश होता है, इतना दिल से दुआ देता है कि ये हम लोग शब्दों में नहीं बयां कर सकते। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, जैसे आप ही लोग हैं, आप लोग को जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो, आपके आपका पर्स रूम पे रह गया और आपको 200 रुपये की नीड हो और कहीं आपको पड़ा मिल जाए, आप कितने खुश हो गए? सेम वही सिचुएशन उनके साथ रहती है। हम लोग जब ड्राइव करते हैं, जैसे किसी को हम लोग फूड देने जाते हैं, हमें कहीं से मिलता है जब देने जाते हैं, तो वो बंदा जब देखता है ग्रीन टी शर्ट में आए, रॉबिन हुड वाले आए, वो पहले जय हिंद बोलते हैं हम लोग को। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, सीरियसली ये बहुत फ़ख्र की बात है। क्या होता है, हम लोग नॉर्मली रेस्टोरेंट से, होटल्स से, अपने आसपास के थ्रू जिनको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पता है कि हाँ ये रॉबिन हुड आर्मी में है, ये फूड वेस्टेज को रोकते हैं, जो सरप्लस फूड रहता है वो नीडी पर्सन को देते हैं। अगर उनको पता है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये, हमारे ग्रुप में कोई भी, अगर हमारे ग्रुप किसी का भी नंबर उनके पास होता है, एक बार में कॉल करते हैं, वो रात के 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, 1, 2, 3, हम लोग 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी ग्रुप की। ये जो हमारा रॉबिन हुड आर्मी ग्रुप है, नॉर्मली 2014 से स्टार्ट हुआ था। उस समय मिस्टर नील घोष जो फाउंडर हैं रॉबिन हुड आर्मी के, अभी रिसेंटली अगर आप लोग KBC दिखाओ तो अभी 2-3 दिन पहले अभी आए थे, तो अमिताभ बच्चन सर ने पूरा इंट्रोड्यूस कराया था कि हमारा मेन वर्क क्या रहता। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था, वो उनके साथ दो तीन फ्रेंड्स और थे, संचित सर थे और भी 2-3 लोग थे, उन्होंने स्टार्ट किया। जब वो एक रेस्टोरेंट में गए थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने खाना खाया, उन्होंने देखा कि जो फूड वेस्टेज था, बाकी जो सरप्लस फूड था, वो उन्होंने ले जाके वो फेंकने वाले थे एक कूड़ेदान में। तो वहाँ पे उनके माइंड में क्लिक हुआ कि जब ये लोग इतना खाना फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो पूरे देश में, पूरे कंट्री में कितना फेंका जा रहा होगा। बस वहीं पर उन्होंने अपना ही काम चालू किया, अपने जाने पहचाने वालों से, जहाँ जहाँ वो पढ़ाई करे वहाँ के फ्रेंड सर्कल से अपने बात करी, ये आइडिया शेयर किया, और वहाँ से आज तक ये ग्रुप इतना बड़ा बन चुका है कि हम लोग इस समय ऑल इंडिया वर्क कर रहे हैं। ऑल इंडिया के अलावा हमारा अब ये ग्रुप इंटरनेशनल ग्रुप बन चुका है, जो श्रीलंका, पाकिस्तान, जकार्ता, ऐसे बहुत सारे देशों में काम कर रहा है। 16 देशों में। और राइट नाउ पोजीशन बताना चाहूँगा, हम लोग के पास इस समय 20,000+ वॉलेंटियर्स हैं। हम लोग उसको वर्कर्स नहीं कहेंगे, हमारे यहाँ कोई हेड नहीं होता है, हमारे यहाँ बस POC होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कि किसी को भी अगर ज्वाइन करना हो उसको नंबर बताते हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट करो, कैसे कैसे प्रोसीजर, हम लोग सब बताते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्क रहता है। और रही बात, आपको अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना हो तो एक वेबसाइट है हमारी, www.robinhoodarmy.com, इस पर विज़िट करिएगा। हमारे तरफ से 24 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आएगी। अगर आपको वॉलंटियर ड्राइव करना हो, जैसे हमारे साथ चल के फूड सर्व करना हो, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। आपको फूड वेस्टेज रोकना हो, जैसे आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी हो कि हमारा फूड यहाँ पे फेंका जा रहा है, यहाँ पे कुछ ही ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं भी सरप्लस फूड बच रहा है फिर भी फेंका जा रहा है, तो आप बस हमें कॉन्टैक्ट करो, हमें बताओ कहाँ पर है, किस प्लेस पर है, कितनी भी दूर हो, हमारी पूरी टीम वहाँ पर आ सकती है। जो भी अवेलेबल होगा वहाँ पर, 10 से 14 रॉबिन हम लोग वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने कानपुर में, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा, आइए सर आइए, ये भी हमारे, अच्छा मैं चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं चाहूँगा प्रियांशी मैम हमारे साथ, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए, बहुत अच्छी है, बहुत मन से काम करती है, सारी हमारी प्रियांशी मैम आपको बताएंगे कि हम लोग फूड के अलावा और क्या क्या चीज़ें अभी करना शुरू किया, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ काम किया जा सकता है। तो प्रियांशी मैम, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और आगे प्लीज़ थोड़ा सा बताइए लोगों को। हाय एवरीवन,
देखिए सबसे पहले मेरे ख्याल से सबके मन में ये तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है पैसे नहीं लगता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ना कोई पैसा ज़रूर लिया जा रहा होगा, ऐसा किसी के मन में क्वेश्चन है लाइक रजिस्ट्रेशन हो तो मैं ये बोल रही हूँ कि एक रुपए का भी इन्वॉल्व इस एकेडमी मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, एक रुपए का भी। सिर्फ लेन देन सिर्फ और सिर्फ जो लेन देन है वो फूड का है, फूड का है। वी वर्क फॉर टाइम नॉट फॉर मनी, ठीक है। हम लोग सिर्फ अपना समय दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं है। और इवन हम लोग मतलब कभी भी ये होता है कि बहुत से लोग होते हैं रॉबिन हुड आर्मी के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई अगर बोले कि हम रॉबिन हुड आर्मी की तरफ से पैसे है या कुछ भी, उसका इन्वॉल्व हम लोग नहीं करते हैं। आपको अपना फूड देना है आप दे सकते हो, हम लोग वहाँ पर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि हम लोग कैसी कैसी ड्राइव्स करते हैं। अदर देन फूड ड्राइव वी डू अकेडमी, रॉबिन हुड अकेडमी है जिसमें हम लोग कुछ स्लम्स के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने के बाद जब वो हमारी अकेडमी से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो उनको हम लोग नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन दिला देते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। एंड अदर देन अकेडमी ऑल्सो हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, गर्ल्स हाइजीन पे, गर्ल्स मिनट्स जो भी हम लोग पीरियड वगैरह का जितना भी दिक्कत होता है सब पे हम लोग वर्क करते हैं। नाउ इट्स ऑलरेडी ओपन पूरी तरीके से, कोई भी छुपने वाली बात नहीं है इसमें। सो आई डोंट थिंक सो आप लोग ऑकवर्ड फील कर रहे होगे, अगर कर रहे हो तो ठीक है। तो हम लोग इस पे ही वर्क करते हैं क्योंकि बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो इसके बारे में अभी भी नहीं जानती हैं। और आए दिन आप लोगों को पता होगा कि 5 में से 3 लेडीज़ सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ख़त्म हो जाती, उनकी एक्सपायर हो जाती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन पैड्स यूज़ करने की ना वजह से, ठीक है। तो इसकी भी अवेयरनेस हम लोग बढ़ाते हैं, हम लोग उनको अपने वीडियोस के थ्रू, हम लोगों के बोल चाल के थ्रू लेडीज़ जाती हैं, इंट्रैक्शन करती हैं। हाँ वो थोड़ी देर के लिए करते हैं नौटंकी कि हाँ हमें नहीं करना नहीं करना नहीं करना, भाग जाते हैं सब, लेकिन हम लोगों को समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अगर इंडिया को बढ़ाना है तो लेडीज़ को सबसे पहले रखना पड़ेगा, इंडिया डेवलपमेंट तभी होगा। सो मैं बस यही चाहूँगी, अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, और आई थिंक सो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो रहे होंगे इस चीज़ को लेके। आप लोगों को ये नहीं कि आप लोगों को रेगुलर आना है, आप संडे को फ्री हो आप संडे को आ सकते हो ड्राइव पे, ठीक है, आप लोग मतलब जब आप फ्री हो, लेकिन एक बार आप ज्वाइन करके देखें, ना वॉलंटियर बनके एक बार ऐसी ज्वाइन करके देखें। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा हम लोगों के साथ काम करके, इवन जो हम लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है तो इससे अच्छी क्या बात होगी, इज़न्ट इट।